अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आपके साथ स्ट्रॉबेरी चीज़ केक की रेसिपी शेयर करूंगी। तो इसके लिए सबसे पहले एक पैन में ग्रैम क्रैकर्स या कोई भी बिस्किट लेकर उसको अच्छी तरह से क्रश कर लें। अब इसमें 100 ग्राम मेल्टेड बटर डाल दें और इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब एक मोल्ड ले लें और क्रश्ड बिस्किट इसमें डाल दें और इसको अच्छी तरह से सेट कर लें। अब इसे एक कप या गिलास की मदद से प्रेस करते हुए इवनली स्प्रेड कर दें। अब इसे हाफ आवर के लिए रेफ्रिजरेट कर दें। इसके लिए एक पैन में 1 लीटर फुल फैट मिल्क का डाल दें। इसको मीडियम फ्लेम पर बॉईल कर लें। जब इसमें बबल्स आने लगे तो इसमें 1 टेबलस्पून वाइट विनीगर ऐड कर दें। इसको ग्रेजुअली स्टर करते रहें। थोड़ी ही देर में दूध कर्डन होना स्टार्ट हो जाएगा। जब इसमें से सारे लम्स ऊपर आ जाएं और पानी सेपरेट हो जाए तो हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब एक स्ट्रेनर लें और इसके ऊपर मलमल का कपड़ा रखकर इसको छान लें। इसका एक्सेस वाटर निकाल दें, लेकिन हमने इसको बिल्कुल ड्राई नहीं करना। अब इसको एक फूड प्रोसेसर में डाल दें। अब इसमें 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर दें, 1 टेबलस्पून पानी का डाल दें और इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें। इसको हमें इतना ब्लेंड करना है कि ये बिल्कुल स्मूथ और क्रीमी हो जाए। ये देखें, क्रीम चीज़ हमारी तैयार है। अब एक बाउल में क्रीम चीज़ डाल दें और इसको अच्छी तरह से बीट कर लें। अब इसमें 3/4 कप पिसी हुई चीनी डाल दें और इसको फिर से बीट कर लें। अब एक बाउल में 2 टेबलस्पून गर्म पानी के डाल दें। इसमें 2 टीस्पून जेलेटिन पाउडर के डाल दें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इसे एक साइड पर रख दें। अब एक दूसरे बाउल में 2 कप व्हिप्ड क्रीम ले लें और इसको अच्छी तरह से बीट कर लें। इसको हम इतना बीट करेंगे कि ये डबल हो जाए। अब मैं इसमें बीट की हुई चीज़ शामिल कर दूंगी। अब हम इसको लो स्पीड पर मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मिक्स किया हुआ जेलेटिन पाउडर डाल दें और इसको फिर से लो स्पीड पर बीट कर लें। क्रस्ट फॉर्म हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर क्रीम का मिक्सचर डाल दूंगी। अब इसको इवनली स्प्रेड कर लूंगी। अब मैं इसे 3-4 आवर्स के लिए रेफ्रिजरेट कर दूंगी ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। टॉपिंग तैयार करने के लिए मैंने एक पैन लिया और इसमें मैंने 2 कप स्ट्रॉबेरीज शामिल कर दी हैं, जिनको मैंने अच्छी तरह से धोकर छोटे पीसेस में काट लिया है। 1/2 कप इसमें मैंने चीनी शामिल की और इनको अच्छी तरह से मैं 15 मिनट के लिए कुक कर लूँगी। 15 मिनट में स्ट्रॉबेरी बड़ी अच्छी सी सॉफ्ट हो जाएंगी। अब 2 टेबलस्पून गर्म पानी में 1 टेबलस्पून जेलेटिन पाउडर का डालकर मिक्स करें और इसमें शामिल कर दें। टॉपिंग हमारी तैयार है। इसको थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने दें। चीज़ केक बड़ा अच्छा सा सेट हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर स्ट्रॉबेरी की टॉपिंग डाल दूंगी। अब मैं इसको 2 आवर्स के लिए रेफ्रिजरेट कर दूंगी। 2 आवर्स के बाद हम मोल्ड को इसमें से निकाल लेंगे। बहुत ही टेस्टी स्ट्रॉबेरी चीज़ केक हमारा तैयार है। और अगर आप चाहें तो आप स्ट्रॉबेरीज की जगह कोई और बेरीज भी यूज़ कर सकते हैं।